खबर प्रयागराज से, जहां पर माघ महीने की आज मौनी अमावस्या पर जबरदस्त तरीके से संगम तटों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पितरों की नामित पूजा अर्चना कर रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 करोड़ के आसपास कहा जा रहा है कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहां पर आएंगे। बता दें कि सुबह 8 बजे तक 40 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है और अभी तो दिन भर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने आस्था की डुबकी की, वाराणसी और हरिद्वार में। ये देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में, जहाँ देखो वहाँ श्रद्धालु श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गंगा तटों पर जाकर जो भी पवित्र नदियां हैं, नदी के तट है, वहां पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए पितरों के नामित पूजा अर्चना, तो कोई सूर्य भगवान की उपासना के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए आज आस्था की डुबकी लगा रहा है। वाराणसी हो, प्रयागराज हो या फिर धर्मनगरी हरिद्वार, हर जगह कुछ इस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु आज मौनी अमावस्या पर जो शुभ संयोग बन रहा है, दरअसल आज साल में ऐसा एक बार ही होता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक साथ एक समय पर मकर राशि में रहते हैं। ऐसे में इस शुभ संयोग पर लोग कोशिश करते हैं पवित्र नदियों में स्नान लगाने को लेकर, डुबकी लगाने को लेकर, और इस तरह से अपने पापों को धोते हुए मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाना चाहते हैं, और इस तरह से ईश्वर की आस्था में ये डुबकी लगाई जा रही है। ये देखिए जबरदस्त ठंड भी इन लोगों की आस्था को डगमगा नहीं पाई। सुबह सवेरे से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। हरिद्वार की बात करें, प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, हर तरह हर जगह से कमोबेश कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां संगम तटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मौनी अमावस्या दरअसल एक ऐसी अमावस्या माघ के महीने में मानी जाती है, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कई श्रद्धालु आज के दिन मौन व्रत भी धारण करते हैं और इस तरह से इस अमावस्या को मनाते हैं, और आज मौन धारण करते हुए ईश्वर का पूजन करते हैं, ईश्वर को याद करते हुए मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ साथ ही पुण्य कमाने के साथ पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। और इसी सिलसिले में हरिद्वार हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो या फिर कोई अन्य तीर्थस्थल जहाँ पर पवित्र नदियाँ मौजूद हैं, वहाँ का लोग रुख कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त ठंड के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तमाम लोग ठंडे ठंडे पानी में सुबह से ही डुबकी लगाने में मशगूल है और सुबह से अपनी आस्था दिखा रहे हैं। संगम तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, और ऐसे में वहाँ पर जब इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब लोग पहुंचते हैं, तो शासन प्रशासन भी उसी हिसाब से चौकन्ना रहता है। शासन प्रशासन की तरफ से उसी हिसाब से वहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं, ताकि अगर वहां पर श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है या फिर उन्हें कोई जानकारी चाहिए होती है, उन्हें कुछ रूट का समझ नहीं आता है, वहाँ मंदिरों के दर्शन करने के लिए जब लोग जाते हैं तो अगर कोई भ्रमित हो जाए तो वहाँ, ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए भी टीमें तैयार की गई है। आलोक मालवीय हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, मौनी अमावस्या के मौके पर फिलहाल कैसी तस्वीरें आपके सामने, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर डुबकी लगा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से मौनी अमावस का स्नान है और लोगों ने प्रशासन ने प्रतिष्ठित आंकड़ा किया था कि यहाँ पर लगभग 2.25 करोड़ लोग स्नान के लिए आएंगे, उससे भी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफी भारी भीड़ इस समय संगम तट पर मौजूद है और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि रात 3 बजे से शुरू हुआ और अभी तक लगातार जारी है। लगभग प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक 2.25 करोड़ लोग संगम की त्रिवेणी में अपनी आस्था की डुबकी लगाएंगे। हाँ। और अपने पितरों को तर करने के लिए वो यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए आते हैं। लोगों ने अपने केस का दान भी यहाँ पर किया हुआ है और लोग केस दान। आलोक, ये बताया कि मौनी अमावस्या पर ऐसा सबसे खास क्या होता है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों का रुख करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं?
जी देखिए, प्रयागराज तीर्थ हाँ राज है और सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज माना गया है, हाँ इसलिए जो गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी पर अपने पितरों को तर करने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। इसके अलावा जो भी आज के दिन गंगा नदी का स्पर्श मात्र कर लेता है उसके हाँ लोक परलोक तर जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में वर्णित किया गया है। इस वजह से लोग यहाँ पर आते हैं और मौन रहकर गंगा में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद अपने परलोक को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या पर स्नान का और दान का अत्यधिक महत्व हो जाता है। शुक्रिया आपका आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तब तो